नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है। खबर देखने से पहले एक जरूरी सूचना। वो चेहरे जिन्हें देखते हैं आप लल्लन टॉप पर, वो चेहरे जो सुनाते हैं आपको देश दुनिया राजनीति के किस्से और खबरें, उन चेहरों से रूबरू हो सकते हैं आप आपके अपने शहर आगरा में, जहां जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। तो तारीख नोट कर लीजिए, 28 नवंबर दिन रविवार, जगह होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड राजा मंडी। मिलते हैं आपसे। अब खबर पर आते हैं। 62.60 T20 क्रिकेट में अगर किसी बल्लेबाज की ये बैटिंग औसत है तो मानकर चलिए कि उस बंदे ने भर कर रन बनाए हैं। आपको नाम बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो है, वैसे भी ये बल्लेबाज खूब रन बनाता है। नाम है IPL में पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल। KL राहुल 2018 से पंजाब किंग्स टीम के साथ मौजूद ही नहीं, वो टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में भी टीम की रूठी किस्मत नहीं बदली। अब ऐसी खबरें आ रही है कि साल 2022 में मेगा ऑक्शन होना है और इस मेगा ऑक्शन से पहले KL राहुल पंजाब का साथ छोड़ देंगे। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स बता रही है कि राहुल ने पंजाब की टीम से अलग होने का फैसला कर लिया है। वो अगले साल यानी कि मेगा ऑक्शन में वो उतरेंगे और लखनऊ का दामन थाम सकते हैं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि वो लखनऊ टीम की कप्तानी भी करेंगे। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ टीम की सीनियर मैनेजमेंट ने राहुल से कई बार मुलाकात कर ली है। इन मुलाकातों में राहुल लखनऊ की टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो टीम की कप्तानी करने के लिए भी तैयार हैं। BCCI के नियमों के हिसाब से IPL 2022 के साथ जुड़ने वाली टीमें मेगा ऑक्शन से पहले केवल 4 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर सकती है, लेकिन जब तक मौजूदा 8 फ्रेंचाइजी अपने रिटेन किए हुए खिलाड़ी निर्धारित नहीं कर लेती, तब तक नई फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को अपनी टीम में साइन नहीं कर सकती है। मौजूदा टीमों द्वारा खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। IPL 2022 में 8 टीमों से बढ़ाकर 10 टीमों को कर दिया गया है। अगले साल होने वाले IPL में पुरानी 8 टीमों के साथ लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें भी खेलेंगी। अक्टूबर के महीने में हुए ऑक्शन में RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ में लखनऊ की फ्रेंचाइजी खरीदी। वहीं CVC कैपिटल ने 5,625 करोड़ में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की। इन दोनों टीमों के जुड़ने से मैचों की संख्या और टूर्नामेंट का समय भी बढ़ने की उम्मीद है। 30 नवंबर को रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है सभी फ्रेंचाइजियों को और IPL 2022 का मेगा ऑक्शन की तारीखों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें यह तय होगा कि कौन कौन से खिलाड़ी इस सीजन बदली हुई टीमों में नजर आ सकते हैं। इस खबर को लिखा है हमारे साथी प्रवीण नेहरा ने। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स।